आओ तो गड्डी में जाएंगे भयंकर मजा आ जाएगा पूरा। धक्का क्यों मार रहे हो? टक्कर क्यों मार रही तू? मैंने क्यों मारी? ये क्या है? क्या है? ऐसा ही है। इंडिया में ऐसा रिवाज होता है जो हमारे तो गाइस हमारे सब्सक्राइबर ने हमें एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है। सब्सक्राइबर इतने अच्छे अच्छे हैं तो ये गिफ्ट मिला है, ये मेरे को अभी मिला है तो रात को, तो इससे मैं खोल रहा हूँ मैं इसको। अब देख नाम तो बता दो इनका। ओ यार जिन्हें हमें भेजा चंदन सिंगला जी ने भेजा, थैंक यू सो मच चंदन भाई। और अभी इसको खोलते हैं देखते क्या है इस गिफ्ट में। दिवाली के लिए भेजे, थैंक यू सो मच। वाओ कैंडल दिए, एक लेटर भी है। हैप्पी दिवाली चंदन सिंगला भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो गाइज गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे, आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो कल था धनतेरस और हम लोग लेके आए गैस चूल्हा। तो धनतेरस का कोई बर्तन लेना होता है तो हम गैस चूल्हा लेके आए और एक छोटा सा डोलू लेके आए। तो गाइज हम सभी रेडी हो गए हैं और हम सब ने जाना है मार्केट क्योंकि कल दिवाली है। तो सब हमने तो सब नए कपड़े ले लिए, शॉपिंग भी कर ली है हमारी, और गौतम भैया जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मम्मी पापा सबको लेके जा रहे हैं शॉपिंग कराने के लिए। कल नए नए कपड़े पहनेंगे ना सारे। पैसा कहाँ गया? कौन सा पैसा बेटा? मुझे बुबू ने दिया था। बुबू ने किसको दिया था अपने पैसा? मैं जिसको। कितने दिए थे? एक ही दिया था। हाँ। तो बेटा मैं क्या बताऊँ, ये ना हमारे इधर मैं आप बताता हूँ, जो हमारे इंडियंस लोग होते हैं ना, इंडिया में ऐसा रिवाज होता है जो हमारे रिश्तेदार कोई पैसे देते हैं ना, मम्मी लोग छीन लेते हैं। ए, मम्मी लोग मेरे से भी बहुत पैसे छीन लेते हैं बेटा। ये मुझे तो पता ही नहीं है पैसे देते मम्मी लोग छीन लेते हैं। चलो अब मम्मा से पूछो कहाँ है फिर, दादी से पूछो, दादी ने लिया होंगे। ये देख दादी के पास देखा, मैंने लिया ना, तेरे जेब में डाल दिया था। वो देख पॉइंट से निकाली, ये वाली पॉइंट में डाली थी, ये वाली पॉइंट बेटा। दादी बचने के लिए बोल रही है, दादी अपने बर्थडे में निकाल के लाएंगे। क्या बेटा अब बताओ, मिल गया पैसा? इसके जेब में थे, एक 5 रुपए और मिला मेरे को ये। तो गाइस आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपके साथ हुआ है कि नहीं ऐसा, जो पैसे देते थे हमारे रिश्तेदार के बेटा ले करके और फिर मतलब वो पैसे गायब हो जाते थे, मम्मी ले लेती थी। अगर हम मम्मी को ना देना मम्मा डांटते थे। चलो सब रेडी हो चुके हैं तो हम लोग जा रहे हैं दिवाली के लिए कपड़े लेने के लिए। तो साइज कपड़े लेंगे हमने ले लिए हैं और सारे लोग, हाँ सब फैमिली जा रही क्योंकि हमें साइज का पता नहीं लगता है। तो हम कह रहे चलो सब भी आओ तो गड्डी में जाएंगे भयंकर मजा आ जाएगा पूरा, सब लोग ठूसी जाओ बीच में। धक्का क्यों मार रहे हो? टक्कर क्यों मार रही तू? मैंने क्यों मारी? ये क्या है? डैडी ने मारा था धक्का? मेरा बच्चा है ना आज। अरे मेरे काजू मेरा वो किस करो, आई लव यू। चलो अब चले चले मार्केट, आज गाड़ी जिया चलाई। ओके नो जी नो बोले डालते थे गंदी बात है। कैसी है ये लड़की तो? गाइस हमने कर दी है गलती, गाड़ी लेकर आ गए, इतना जाम लगा हुआ है ना, हमें 15 मिनट हो गए यहाँ से, हम मतलब 4 कदम सिर्फ आगे बढ़ पाए, एक्चुअल वाले 4 कदम। और ये गलती हमें पता नहीं क्या होने वाली है, ये बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। क्या 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 ये गलती हमें पता थी तो क्या करें, हम बाइक में हम सब लोग थोड़ी आ सकते हैं, आना तो गाड़ी में पड़ेगा ना। फंस गए, आधा घंटा हो गया पीछे देखो दो बाइक में। हाँ अच्छा इस तरफ है ये, मतलब गाड़ी में जगह कम पड़ गई है, मतलब इसलिए ये लोग बाइक में आ रहे हैं और हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारा लंच। लंच थोड़ी देर बाद डिनर होने वाला है, 6 बज गए हैं। हम लोग अभी पहुंचे मार्केट, कोई शॉपिंग वोपिंग नहीं किया, ये दोनों पता नहीं कहाँ एक्टिवा में आए, रास्ता ही नहीं पता, ऊपर से पार्किंग में नहीं मिली और भीड़ थी। गाइस फाइनली हम शॉपिंग करने लग गए हैं, इतने मतलब ट्रैफिक के बाद में फंसे होने के, ट्रैफिक के बाद में फंसे होने के क्या ब्लॉगर बनेगी रे तू है, मतलब इतने ट्रैफिक में फंसने के बाद भी हम आ गए हैं। अभी 6 बज रहा है, हम घर से निकले थे 1 बजे, बताओ पूरे ट्रैफिक में। मैंने उनको बोला था कि कार नहीं लेके जाते हम जाते हैं, सब लोग कंधे कंधे में बैठा के ले जाएं। हाँ ये भी था ना, पर तो मम्मी का तो हो गया, मम्मी ने लिए कुर्ती ग्रे कलर की। आप क्या लेने वाले हो? मैं कुछ नहीं, मैं दिलाने वाला बंदा हूँ, सिर्फ अपन पैसा लुटाएगा।
तो सही तो है ना, कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर स्वेटर थोड़ी पहनोगे आप? ये तो गर्मी तो मैं डाल सकती, इतना गर्म घर में डालने वाले लेने आपने? हाँ। तो मम्मी अब ट्राई करने जा रहे हैं ये वाला ब्लेजर, मम्मी का फेवरेट कलर पिंक, भी छोड़ते नहीं कभी। अनजिया छोड़ती है। हैंड पीछे घुमाने आपने, भैया थोड़ा सा आप आगे हो जाओ, बैठ जा। ये भैया बार बार बीच में आ रहे हैं। कोटी है ये, इसको ओपन रखना है आपने, बटन थोड़ी लगाते भैया, प्लीज। एक बटन तो लगेगा ना साइज धारा में। अरे वाह, साड़ी पे भी आएगा क्या? हाँ साड़ी भी पहन सकते हैं, लग रहा है ठीक है, सही है धर्मना। बहुत है लगा इसमें, लगा बटन उससे ठीक है, उससे हल्का लग रहा है। जैकेट लेकर आए ना, वो अच्छे नहीं लग रहे, छोटे छोटे इतने इतने, ये अच्छे लग रहे, कमर भी ढक गया, सो भी देख कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको देखा, ये देखो, हाँ ये देखो कलर, इधर से देखो, ये इधर तो ये बड़ा साइज है ना, फिर छोटा ले लें, छोटा ये लगा ना, ये वाला, ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ये कपड़ा अच्छा है, लेकिन मम्मी वो वापस नहीं होगा, वो जो आप कह रहे हो छोटा छोटा बोल रहे हो ना, वो मॉल से आया, मॉल वाली चीज है वो, देख ले फिर इसको, वो सुन देख कर लेना चाहिए ना। चलो वो भी लगा, वो भी लगा लो, देखो क्या दिक्कत है, बच्चन आ गया, लेकिन पहाड़ के लिए तो बेटा बच्चन आ तो यही चीज है, पहाड़ में इतने बजे जैसे मेले में जा रहे हो, उस मेले सवेरे 4 बजे तैयार हो जाओ। अच्छा फिर ठीक है मम्मी, वो करे पता है क्या है, वो बोलेगी ये भी ले लो, वो वापस होना नहीं है, ये भी ले लेगी, वो भी ले लेगी, अब नुकसान क्या होगा फिर? अच्छा नुकसान क्या, कैसा कर रहे, ये भी ले लेगी, ये भी ले लेगी, पर इसमें गर्म होना है, ये ले लो, पसीने छूटते हैं, कलर अच्छा लग रहा है नहीं प्रिया? हां मजा नहीं आ रहा, लाइट लग रही है, मोटी लग रही है, मोटी मोटी, इसमें जो पतली लग रही है ना, यही है इसने दिखा रखा है, इसको अंदर कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा, वही सही था, डबल एक्सल दिया आपको। तो गाइस देखो ये इतने चालू है ना, सारे लोग चले गए नीचे और यहाँ ये अब अपना अकेले अकेले में शॉपिंग करते हैं, जब ना कैमरा बंद होता है तब, ये देखो ऐसा तो, पर मैंने पकड़ लिया आपको, ऐसा ही है, कहाँ पकड़ा है, छोड़ रखा है, देखा नहीं मैंने, क्यों नहीं आएगा, ये M साइज है, मेरे को L आता है मेरे, हाँ आपको आता है 34। ये क्या है, इतनी भी पतली नहीं होती क्या, कमर से 2 इंच लॉन्ग होती है, पीछे 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 दिखाओ डरू भैया, इनके पास इतनी है, फिर बोलते हैं ये अभी इतनी ही चलती है, दो दिन के बाद बोलेंगे छोटी हो गई है, 2 इंच लॉन्ग ही चलती है जैकेट। तो प्रिया का जो लहंगा है वो भी लेना है, और बंद होने वाली शॉप, हमको भी जाना है, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, गलती से मिस्टेक हो गई, लहंगा नहीं है साड़ी है। तो गाइस प्रिया देखो ऐसे भाग रहे जैसे टटियां लगी हो उसको, वो देखो पेट खराब है जरा, हैं टटियां लगी है क्या, तेज को भाग रही है इतना, धीरे चल जल्दी आना, लेट हो गए आपको लगी हो। देखो गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पर, सिर्फ इसके करके ये आई है ना, इसलिए इतनी भीड़ है। आज फुल स्ट्रीट फूड खाया जा रहा है, हमने सुबह भी टिक्की खाई थी और अभी हम गोलगप्पे खा रहे हैं। यहाँ तो भाई अभी हम बिजी है ब्लॉगिंग में। हाँ? बोल रहे आपका गोलगप्पा था, मैंने बोले लो आप तो बिजी थे, मेरे को वो अभी बिजी है मैं खा ली, और ये जैसे जिया धाओ धाओ धाओ, ये कौन सा पैसा है? तो गाइस कमेंट करके बताना कौन सी करेंसी है ये, क्या करे जिया? तो गाइस हमें क्या खाया, हम दोनों लेना, वो जो दे रहे बार बार वो सब तो खाया, तीजा चलते घर, अब तीजा चलते घर, चलते घर, सीधे घर जाना है, सॉक्स ले लेने, अभी हमने सॉक्स भी लेने, अरे सॉक्स ले लो जिया के, छोटे छोटे सॉक्स। गाइस फाइनली सबकी शॉपिंग डन हो गई है और पापा जी ने भी ले लिया, तो अभी धड़ू गए हैं चेक करने के लिए, जीन्स वगैरह उन्होंने नहीं लिया था, सबने ले लिया, और रात के बच गए हैं 10, अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं, ये देखो सबकी शॉपिंग चली जा रही है, और ये
फोन में ही घुसी रहती है, फोन में देख लिया झोला अटका के फिर तुझे मारा मैंने। तो गाइस आज तो गजब वाला लेट हो गया यार। टाइम देखोगे ना गाइस 10 बज गया रात का, हम आए थे दोपहर को 3 बजे, 3 से 10 मतलब 7 घंटे हमने शॉपिंग करी पूरी फैमिली ने। ओ माय गॉड, टाइम देखो गाइस 9:57। माँ आई, माँ अच्छा आज का पूरा दिन लगा दिया है? पूरा दिन लगा दिया आज का। आप ही ने लगाया? तुम्हारे शॉपिंग में। मैं तो अब इनके साथ आने वाला नहीं हूँ। मैं तो नहीं नोटिस करना लाऊंगा भरावा। अब पता लगा ना आपको कैसे लेट होते हैं मार्केट में। मैं बच्चों को डांटता रहा के भी ये यहाँ पे सारा मुसीबत आती है। हाँ, तो बस पापा को भी रियलाइज हो चुका है कि मार्केट जाओ तो लेट हो ही जाते हैं। सही बात।